सब्सक्राइब करें प्लम्बर थेरेपी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्लम्बिंग का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्विमिंग पूल का पाइप फिटिंग किस तरह किया जाता है और इसमें क्या क्या सिस्टम लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखिए, आपको इसमें सभी फिटिंग के बारे में आपको कंप्लीट पे बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्विमिंग पूल का यहाँ पे पाइप फिटिंग पूरा किया हुआ है। आउटलेट इनलेट पाइप सभी पाइप यहाँ पे लगाया गया है। मैं सभी पाइप को आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर का टंकी लगा हुआ है। ये होता है स्विमिंग पूल का फिल्टर, जो स्विमिंग पूल का गंदा पानी को फिल्टर करने के लिए ये टंकी इसमें लगाया गया है। और इसके बगल में यहाँ पे देख सकते हैं नीचे तरफ यहाँ पे आउटलेट इनलेट पाइप यहाँ पे लगाया गया है। एक से आउटलेट होता है, दूसरा से इनलेट किया जाता है पानी को। और यहाँ पे नीचे इस साइड में पाइप लगाया गया है। आपको पूरा मैं पाइप फिटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक प्रेशर पम्प लगाया गया है जिससे स्विमिंग पूल में पानी सप्लाई करने के लिए इस पम्प से पानी जो फिल्टर होता है उसके बाद में सप्लाई करने के लिए ये 2 HP का मोटर इसमें लगाया गया है। और इस साइड में आपको जो पाइप दिखाई दे रहा है ये पाइप है आउटलेट पाइप, जो स्विमिंग पूल का जो गंदा पानी होता है उसको निकालने के लिए इस पाइप को इस साइड में लगाया गया है। एक सिंगल पाइप है और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री ज़्यादातर यूज किया गया है, मतलब एल्बो इसमें ज़्यादातर यूज किया गया है। और यहाँ पर PVC पाइप लगाया गया है पूरा, जिसे हम PVC पाइप बोलते हैं। और ये 2 इंची 1.5 इंची के लगभग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे पाइप 3 तरह के पाइप लगाए जाते हैं जो आउटलेट होता है। एक होता है ड्रेन, एक वैक्यूम और तीसरा स्कीमर। ये तीनों पाइप स्विमिंग पूल से आउटलेट किया गया है और ये वाटर फिल्टर टंकी से कनेक्ट है। और इससे ये तीनों पाइप में जो स्विमिंग पूल का गंदा पानी होता है वो आउटलेट होता है, उसके बाद में फिल्टर होने के बाद में स्विमिंग पूल में इनलेट किया जाता है पानी को। और इस साइड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे MTA लगा के जो PVC पाइप और PVC पाइप को कन्वर्ट किया गया है। इस ये स्विमिंग पूल का मेन पाइप है, इसी से ये टंकी से डायरेक्ट कनेक्शन किया गया है। जो टंकी का पानी होता है वो डायरेक्ट स्विमिंग पूल में आता है, उसके बाद फिल्टर होने के बाद में यहाँ पे इनलेट पाइप लगाया गया है। इस साइड में इनलेट पाइप लगाया गया है, उससे पानी चखता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों पाइप के बारे में बता चुका हूँ, एक ड्रेन, वैक्यूम और स्कीमर। और ये है इनलेट पाइप, इससे इनलेट होता है पानी स्विमिंग पूल में। यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे, और इसके बगल में यहाँ पे एक यहाँ पर भी एक फिल्टर लगाया गया है। ये एक इनलेट पाइप है, इससे अगर पानी जब सप्लाई होता है उसके बाद भी एक यहाँ पे फिल्टर लगाया गया है। और यहाँ पे डायरेक्ट पानी को भी चखाने के लिए एक यहाँ पे बॉल बल्ब भी लगा दिया गया है, जिससे डायरेक्ट पानी स्विमिंग पूल में आउटलेट होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टी लगा के डायरेक्ट यहाँ पर एक फिल्टर लगाया गया है, जिससे फिल्टर होने के बाद दोबारा फिल्टर होता है पानी, उसके बाद स्विमिंग पूल में डायरेक्ट पानी इनलेट होता है। ये एक इनलेट पाइप है इसका, ये डायरेक्ट दीवार से छेद करके हमने इसको बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे इसका स्विच भी लगा दिया गया है, इस मशीन का स्विच है। और दूसरा यहाँ पे प्रेशर पंप का यहाँ पे स्विच लगाया गया है, जिससे यहाँ पे प्रेशर पंप मैंने बताया था उसका स्विच यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करने के लिए, इस मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच इसका लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों मैं आपको बाहर एक बार दिखा देता हूँ कि बाहर इसका पाइप फिटिंग कैसा किया गया है। और ऊपर में स्विमिंग पूल बना हुआ है जो सबसे पहले मैं आपको दिखाया था। तो ये है बाहर का, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाहर में यहाँ पे वैक्यूम, स्कीमर और ड्रेन का पाइप यहाँ पे बाहर से यहाँ पे ले गया गया है। और यहाँ पे तीनों पाइप कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का। और इधर में इनलेट का पाइप कनेक्शन किया गया है, यह है स्विमिंग पूल का इनलेट। यहाँ पे एक ही पाइप से इनलेट चार इनलेट यहाँ पे किया जाता है स्विमिंग पूल में, चारों से पानी स्विमिंग पूल में इनलेट होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।